ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਬੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਆ ਮੈਂ ਮੰਗਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਸੀ ਮੋੜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ सहारों को अपना बना लीजिए साया आफियत में बसा लीजिए हम भटकते फिरे रोज शब हर तरफ आप हादी है राह पर लगा दीजिए हम खताकार हैं दिल मेरा पाब मुआसी की नफरत बिठा दीजिए जो नबी जी की आंखों की ठंडक रहे वो नमाजें हमें भी सिखा दीजिए सहारों को अपना बना लीजिए साया आफियत में बसा लीजिए हम भटकते फिरे रोज शब हर तरफ आप हादी है राह पर लगा दीजिए हो मुयसर फरिश्तों की सोहबत हमें खाकियों में बिनूरी कबा दीजिए अहले दिल की केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आज हम मौजूद हैं जिला पाक पुतन के हमारी गांव में हमेशा की तरह केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन ने गरीबों यतीमों और बेसहारों लोगों की खिदमत की है ये नाजरीन चंद दिन कबल हमने एक यतीम और गरीब फैमिली का पैगाम आप लोगों तक पहुंचाया ये फैमिली थी शनाज बीबी की नाजरीन शनाज बीबी के चार बच्चे हैं और जो कि यतीम हैं इन लोगों के पास ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए कुछ था बिलखसूस इकबाल बेगम के तामन से शनाज बीबी और इनके चार यतीम बच्चों के लिए केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन के अपना घर प्रोजेक्ट के तहत एक घर बनाने का काम शुरू किया ये नाज़रीन आप देख सकते हैं शनाज बीबी और इनके बच्चों के लिए हमने एक प्लाट खरीदा है जिसमें ईंटें आ चुकी हैं और मजदूर अपना काम कर रहे हैं शनाज बीबी और इनके बच्चों के लिए दो कमरे आगे साथ ही बरामदा साथ ही एक अद्भुत किचन बनाया जाएगा आज इसकी बुनियादें रखी जा रही है इस जगह पर एक मेन गेट आएगा ये सब मुमकिन हुआ इकबाल बेगम के तामन से आइए केयर फाउंडेशन की तामन से मजीद लोगों की मदद करते रहें जज़ाकअल्लाह घर बना रहे छत दे रहे मेरे घर का काम शुरू हो गया इटा भी आ गई बड़ा मैं शुक्र मनानी है तो दुआवा दान सारी जिंदगी दे इकबाल बेगम शुक्र गुजार रही मैं बहुत खुश हूँ हमारा घर बन रहा है दिखे आँख को ऐसा सुरमा अता की